नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। रेल श्रमिकों के हित में कार्यरत ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का आज लॉन्ग डे कैडर कन्वेंशन डुरंड सिनेमा में किया गया। रेलवे का निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में यह कार्यक्रम आयोजित की गई। ईआरएमसी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार एक साजिश के तहत रेलवे को निजी हाथों में बेचना चाहती है, जिससे पूंजीपतियों को लाभ पहुंचे। लेकिन ईआरएमसी के रहते ये हरगिज नहीं होगा, और ईआरएमसी हमेशा रेल कर्मियों के हित में लड़ाई लड़ती आई है और हमेशा लड़ेगी। आज जरूरत पड़ी तो सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। प्रोग्राम कर रहे हैं? ये कोई प्रोग्राम नहीं है, ये अच्छा, हम लोगों के रेल मजदूरों के बचने की लड़ाई है, रेल को बचाने की लड़ाई है। जिस तरह भारत सरकार की वर्तमान नीतियां हैं उसको देख के साफ मालूम होता है कि इस देश में सरकारी कह करके कोई चीज़ नहीं बचेगी। भारतीय रेल को जिस तरह टुकड़ों में बांट के निगमीकरण के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर निजी हाथों में सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। आपने कहा कि जो नीति है, यानी क्या नीति है? नीति यही है कि सरकार, भारत सरकार आज 165 साल से रेल को चला रहे रेल श्रमिक, जब रेल के पास कोई आधुनिक सुख सुविधाएँ नहीं थी, पहाड़ को काट के जंगलों में रेल पर पटरियाँ बिछाया रेल श्रमिकों ने। आज जब ये सब काम हो गया तो बनी बनाई रेल को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपने का औचित्य नहीं है। ये रेल को ख़त्म करने और निजी व्यवसाय को बढ़ावा देने का प्रयास है। हमारा ये मानना है कि रेल है तो हम हैं। उसके लिए क्या स्टेप अप होंगे? हम लोग जिस तरह आदमी, जब आदमी डूबने लगता है तो अपने बचने के लिए हर वो प्रयास करता है, हम भी वही करेंगे। हम भारतीय रेल को बचाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि रेल है तो हम हैं और हम हैं तो रेल है, और रेल अगर सुरक्षित है तो वो केवल और केवल रेल मजदूरों के हाथ में। क्योंकि रेल के साथ जिस भावना, संवेदना और आवेग के साथ जुड़े हैं, कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान ये काम नहीं करेगा। वो मुनाफा कमाने आएगा, हम मुनाफा कमाने नहीं आए हैं। हम भारतीय रेल को सजाने, संवारने और सींचने के लिए आए हैं। हाँ, भारतीय रेल क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा, क्या प्रॉब्लम? आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, आज वर्तमान में रेल कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है और घटाई जा रही है। इसके अलावा हर काम, हर क्षेत्र में ठेकेदारों को प्रवेश किया जा रहा है। ठेकेदारी के माध्यम से रेल का काम को और निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। रेलवे स्टेशन बेच दिए जा रहे हैं। कानपुर बिक गया 200 करोड़ में, इलाहाबाद बिक गया 150 करोड़ में, अब इंतजार है कानपुर बिकेगा 5000 करोड़। जो पॉलिसी है कहाँ दिखाई दे रही है, इससे रेल को कितना नुकसान होगा, क्या लग रहा है? आज आज 7 जो हमारे उत्पादन इकाई हैं, एक का घाटा दिखा दे सरकार, एक का घाटा दिखा दे। 1950 में CLW की स्थापना हुई थी, आज से 70 साल पहले। 70 साल में CLW का आप ट्रैक देख लीजिए, परफॉर्मेंस देख लीजिए। सरकार जो निजीकरण करने जा रही है उससे क्या दिक्कत हो रहा है आप लोग का? दिक्कत बिल्कुल हो रहा है। क्या दिक्कत? 1970 के दशक में इस देश में राष्ट्रीयकरण किया गया था। सरकार का काम होना चाहिए राष्ट्र में निवेश करे, राष्ट्र का विनिवेश ना करे। राष्ट्र में निवेश करना ये सरकार का धर्म है। सरकारी संपत्तियां बढ़ें ये सरकार का धर्म है। सरकारी संपत्तियों को ध्वंस करना ये सरकार का धर्म नहीं, अधर्म है। आज BSNL क्या हुआ? BSNL को कॉरपोरेशन बना दिया गया, उस कॉरपोरेशन का पना हम क्या देख रहे हैं? इंडिया एयरलाइंस का क्या हुआ? आज बैंकों का क्या हो रहा है? निजीकरण के खिलाफ जो आप लोग लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, इनमें कितना सपोर्ट आपको मिल रहा है, किन लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? इस पर हमारे साथ रेल मजदूर हैं, और इस देश की वो हर जागरूक जनता है जिसको राष्ट्र प्रेम है, जो राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र को चाहती हैं, राष्ट्र की संपत्ति बढ़े, जिनकी ये सोच है। जो निजी हाथ के 10-20-25 घरानों को पूंजीपति नहीं देखना चाहती है, जो चाहते हैं कि पूरा राष्ट्र पनपे, पूरा राष्ट्र फैले, पूरे राष्ट्र की संपत्ति बढ़े। इसके लिए जो आंदोलन आप लोगों को रोड पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, समय के साथ साथ सब होगा।
सब होगा। हम लोग रेलवे के कर्मचारी हैं, हम लोग बिल्कुल नियम श्रृंखला और कानून के आबद्ध रह करके हर काम करते हैं। आप रेलवे को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपसे अब तक जुड़ नहीं रहे हैं उसके लिए क्या मैसेज है? देखिए, महाभारत का युद्ध हो चाहे रामायण का युद्ध हो, रामायण का जब युद्ध हुआ उस समय भी श्री राम के खिलाफ लोग थे, महाभारत के युद्ध में भी पांडवों के खिलाफ लोग थे। इसलिए ऐसा कोई युद्ध नहीं है कि हर आदमी एक पक्ष में हो, चाहे विश्व के दोनों विश्व युद्धों का इतिहास ले लीजिए, हमेशा एक पक्ष विपक्ष में रहता है। तो हमारे मांग यह है, हमारा अनुरोध यह है कि आए सब मिलकर रेल को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं। अब अगर कोई हमारी इस अपील को नहीं सुनता है तो हम केवल उनको नमन कर सकते हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम है, हमारी जिम्मेदारी वर्तमान रेलवे एम्प्लॉय के साथ साथ आने वाली जो पीढ़ी है उनके साथ भी है। आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी? आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हम मार्ग प्रशस्त नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी वर्तमान पीढ़ी को पीढ़ा बनाकर उस पर चल जाएगी, ये इतिहास बोलता है हम लोगों को। आने वाली पीढ़ियाँ कहाँ जाएंगी? दूसरा, आज रेल कर्मचारी एक स्वाभिमान के साथ जीता है, कल जब एक ठेकेदार आ जाएगा, एक निजी कंपनी के हाथ में चले जाएंगे हम, तो हमारी यह स्वायत्तता खत्म हो जाएगी जो हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद शर्मा। आप किस पोस्ट पे बिलोंग करते हैं? मैं ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय जो हमारा संगठन है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे में उसका सहायक महामंत्री हूँ। धन्यवाद। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के तरफ से आज के हमारे जो वर्तमान सरकार आ रेल प्रशासन एवं रेल मंत्री बिरुद्धे আমরা আন্দোলন শুরু করেছি। কারণ আপনারা সবাই জানেন যে রেলের মধ্যে নিজীকরণ এই রেলমন্ত্রী প্রথম নিয়ে আসলো, শুনতে পাচ্ছি কলোনিগুলোকে বিক্রি করার ব্যবস্থা চলছে, বিশেষ করে প্রিমিয়াম ট্রেন যেগুলো আছে সেই ট্রেনগুলোকে প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে বড় বড় সংস্থার কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এরই বিরুদ্ধে ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের তরফ থেকে আজকে ক্যাডার কনভেনশন ছিল এবং প্রায় এখানে 1200 লোক উপস্থিত হয়েছিল। আসানসোল ডিভিশনের প্রতিটি কোনা কোনা থেকে একদম সুদূর শিউড়ি সাঁইথিয়া থেকে আরম্ভ করে দুমকা, যশিডি, আন্ডাল, দুর্গাপুর, গোলসি, পারাজ সমস্ত আসানসোল তো আছেই। আজকে মিটিংয়ে ইস্টার্ন এলিমেন্টস কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট শ্রী বিনোদ শর্মা জি ছিলেন উপস্থিত, ইস্টার্ন এলিমেন্টস কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী পি এল মিত্রাজি ছিলেন, ইস্টার্ন এলিমেন্টস কংগ্রেসের বাকি সেন্ট্রাল অফিস বিহারের মধ্যে শ্রী সুনীল দত্ত মহাশয়, শ্রী সুবীর চ্যাটার্জি মহাশয়, শ্রী দশরথ ঠাকুর মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। আজকে মিটিং ডিসাইড কি হবে? আপনারা জানেন যে 26, 27, 28 আগস্ট আমাদের ওয়ান ট্রেড ওয়ান ইউনিয়ন ইলেকশন হতে চলেছে গোটা ইন্ডিয়া ব্যাপী। এই ইলেকশনে আগামী দিনে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস আজ বদ্ধপরিকর হলো, অঙ্গীকারবদ্ধ হলো। আমি রামপ্রসন্ন ঘোষ, ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেস ব্রাঞ্চ 2। থ্যাংক ইউ। অরবিন্দ কুমার সিং। আচ্ছা, কোন পোস্ট? ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ব্রাঞ্চ 2, ইআরএমসি, আসানসোল। ওয়ান ট্রেড ওয়ান ইউনিয়ন কিসকো কাহা যাতা হয় কি সামনে যে আমার 26, 27, 28 আগস্ট কো ইলেকশন হ্যাঁ उसमें 35% वोट जिस यूनियन को मिलेगा पूरा इंडिया में वही यूनियन नंबर वन के स्थान पर यहाँ आएगा। जैसे कि आसनसोल में 4 यूनियन अभी हैं, ईआरएमसी है, ईआरएमयू है, पीआरकेएस है, और अभी एक नया पार्टी अभी आया है, टीएमसी का एक नया पार्टी आया है, तो ये चारों यूनियन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे।
लेकिन इन चारों में जिन्हें 35% वोट शेयर मिला ऑल ओवर इंडिया, वही नंबर एक स्थान में आएंगे और उनका ही यहाँ सर्वोपरि वर्चस्व यहाँ रहेगा। दिल्ली में इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया? हाँ, इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हो गया है। ये क्या बैलेट पेपर इलेक्शन होगा? अभी इसके बारे में बैलेट पेपर में होगा या ईवीएम के द्वारा होगा, इसकी अभी हम लोगों को इसकी सूचना क्लियर नहीं मिली है। इंडिया में वन एट ए टाइम हो गया? हाँ, पूरे इंडिया में इसका इलेक्शन। टोटल वोटर कितने हैं इसमें? अभी हमारे आसनसोल में हमारा वोटर जो है समथिंग 14,000-14,000। अच्छा, ये जो रेलवे का जो यूनियन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पावर किसमें, कौन यूनियन सबसे ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है? NFIR का यूनियन जो है सबसे ज़्यादा मजबूत है और इनका वर्चस्व दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। आप लोगों का फाइट किससे होने वाला है? हमारा फाइट यहाँ तो मेन्स यूनियन है, उसके सिवा और कोई ऐसा है नहीं। और AIRF दिल्ली में AIRF है और यहाँ हमको उसी के साथ है टसल है, नहीं तो और बहुत दूर तक कोई यूनियन नहीं है इसमें। ये जो इलेक्शन और इसका मोटिव क्या है? मोटिव हमारा है कि हमारा जो हक है, हमारे वर्करों का जो हक है, उसके लिए हमें लड़ना है ताकि हमारा वर्कर का जो डिमांड है, जो सही उसे उचित मूल्य उसके कर्म का मिलना चाहिए, उनके कार्य का जो सही पारितोषिक हो वो मिले। वर्कर का डिमांड क्या है? वर्कर का डिमांड तो न्यू पेंशन स्कीम जो है, जितने भी 2004 के बाद वर्कर हमारे ज्वाइन किए हैं, उनका डिमांड है कि हमारा न्यू पेंशन स्कीम को ख़त्म किया जाए, निजीकरण नहीं चलेगा। जैसा कि अभी सुनने में आया है कि कॉलोनी को बिक्री किया जाएगा, जितने हमारे वर्कशॉप वगैरह हैं उनको नगर निगम के हिसाब से उसको चलाया जाएगा, तो ये हमारा वर्कर जो है सो इस चीज़ को मानने को राजी नहीं है। और हमारा वर्कर इसके लिए एकदम जी जान से अडिग हो गया है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम चक्का जाम भी करेंगे।